पिछले दिनों चीन में एक शख्स को स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग से चिपका हुआ देखा गया, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों के होश उड़ा दिए बल्कि पुलिस को भी परेशान कर दिया। ये आदमी 37वें माले से नीचे बिना किसी रस्सी या सीढ़ी के उतर आया था। जिस वक्त ये बिल्डिंग से उतर रहा था उसी वक्त एक व्यक्ति ने ये वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन के लोकल मीडिया आउटलेट सोहो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना चीन के गुइयांग में हुई है। यहाँ लोगों ने इस सरफरेश शख्स को सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए 37वें फ्लोर से नीचे उतरते हुए देखा। इस दौरान सभी हैरान होकर इस मंजर को देखते रहे। ये शख्स सफेद रंग की टी शर्ट, जीन्स और सफेद मोजे पहना हुआ था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी लगा रखा था, जिससे वो दूरी का अंदाजा लगा रहा था। खिड़कियों और बालकनी का इस्तेमाल करके वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था। लोगों ने जब उसे जगह जगह झूलते और लटकते हुए देखा तो उन्होंने इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करते ही पुलिस और रेस्क्यू के लिए लोग तुरंत ही साइट पर पहुंच गए, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। कई बार ऐसे हालात भी बने कि लोगों की सांस अटक गई। सिर्फ रहा सुपर हीरो आखिरकार 30वें माले पर आकर यूं लटक गया जैसे उसने हार मान ली, और रेस्क्यू टीम ने तभी उसे बालकनी से अंदर खींच लिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तो कुछ का कहना है कि उसने सख्त लॉकडाउन से निकलने के लिए ऐसा किया था।